पेरिस रे टीम इंडिया रो दमदार प्रदर्शन भारतीय हॉकी टीम टोकियो रो सफलता दोहरैछि एवं बैक टू बैक ब्रोंज पदक जितिबारे सफल होइछि जेबोल भाबे आज आम देखिथिले जेतेबेले टीम पहुँचिथिला सेतेबेले ग्रांड वेलकम करा जाइथिला समस्त कहिबा गले हॉकी प्रेमी ठारु आरंभ करी क्रीडा प्रेमी भिड़ देखिबा मिलिथिला बर्तमान आम सहित किजन प्लेयर जोड़ी होइछन्ति मु कैमरा पर्सन को अनुरोध करबी सीधा सख दृश्य देखेबे आपण देखि पारछन्ति विशेषकर जेतेबेले मैच रे से माने विजय हासिल करछन्ति विशेषकर पूरा जदि आपण देखिबे ओलंपिक जक ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଶମଶେର ସିଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶମଶେର ଜୀ କ୍ୟା କହିନା ଚାହେଁଗେ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେସା ରହା ପିଛଲି ବାର ବି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆୟା ଥା ଇସ ବାର ବି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆୟା ଦେଖେ ବହୁତ ହି ହମାରେ ଲିଏ ପ୍ରାଉଡ କି ମୋମେଣ୍ଟ ହୈ ହମାରେ ଲିଏ ଔର ପୁରେ ଦେଶ କେ ଲିଏ କି ହମନେ ଲଗାତାର ଦୋ ବାର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତା ତେ ଏକ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ କ୍ରିଏଟ ହୋଇ ହୈ तो यहाँ उड़ीसा में आके भी बहुत हमें प्यार मिला है लोगों का तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है और आगे हम और अच्छा कर पाएंगे टोक्यो में भी पोडियम फिनिश हुआ था इस बार भी हुआ है टोक्यो में भी आए थे वेलकम और इस बार वेलकम क्या डिफरेंस है दोनों सेम ही था इस बार और ज्यादा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी प्लेयर्स को कि ऐसे वेलकम दे के हमारा और देश के लिए और मेडल्स लेकर आएंगे और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बहुत ज्यादा प्रदर्शन को नहीं समस्ते आशावादी अच्छा आम सहित संजय जोड़ी सहित आलोचना करवा क्या कहना चाहेंगे अगले बार जो लॉस एंजेलस जाएंगे मेडल का रंग थोड़ा चेंज होगा क्योंकि इस बार भी उम्मीद था शायद सिल्वर या गोल्ड आएगा लेकिन ब्रोंज आया सर ये है कि उसके लिए अभी से हम हार्डवर्क करना स्टार्ट करेंगे और इसी उम्मीद के साथ जाएंगे कि हम अपने मेडल का कलर चेंज करें और देखो गोल्ड मेडल जिताएं तो अभी हमें टीम को पूरी पूरी उम्मीद है कि लॉस एंजेलिस में ऐसा ही होगा जैसे हम चाहते हैं और हमारा देश चाहता है क्या कहेंगे हर मैच एक ही मैच शायद आई थिंक आप लोग डिफीट किए थे जो बेल्जियम के अगेंस्ट उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कमबैक किया है क्या माइंडसेट था टीम का नहीं हर मैच में एक जैसा ही माइंडसेट रहता है कभी आपका दिन अच्छा होता है और कभी नहीं होता कभी आपके चांसेस जो मिलते हैं आप उनको कन्वर्ट कर देते हो बहुत सी बार नहीं होते हैं तो हर मैच में एक जैसा ही माइंड सेट होता है लेकिन बहुत सी जगह आपकी किस्मत भी बहुत काम करती है प्रत्येक मैच को नहीं प्रस्तुत होबार अच्छी एवं भलो प्रदर्शन करिवार अच्छी हम से तो ललित यादव मते जोड़ी आलोचना करिवा ललित जी क्या कहेंगे हर मैच अच्छा टीम इंडिया परफॉर्मेंस किया लेकिन अगर देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन के मैच जो क्वार्टर फाइनल था 10 खिलाड़ी को लेकर टीम इंडिया परफॉर्म किया बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस मैच जब खेल रहे थे क्या माइंडसेट था जी माइंडसेट सबका एक ही रहता है जैसे उसने संजय ने भी बताया कि हम जो भी एक ही माइंडसेट के साथ उतरते हैं कि हमें जीतना ही है तो उस मैच में भी यही था रही बात 10 प्लेयर की तो जाहिर सी बात है कि एक प्लेयर डाउन होने के बाद भी हमें यह था कि हमें मैच जीत के ही निकलना है जो प्लान हमें दिया गया था उसी प्लान पे हमें स्टिक रहना है एंड सारे प्लेयर्स ने अपना 110% दिया फुल एफर्ट दिया और रिजल्ट भी हमारे फेवर में रहा वो जो डिसीजन को लेकर बात हो रहा है वो शायद थोड़ा मतलब हम लोग का फेवर हो सकता था देखिए अब वो डिसीजन जो हुआ है हो चुका अब उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं बट डेफिनेटली मैं बोलूंगा इतना हार्ड डिसीजन इतने बड़े टूर्नामेंट में एक बार सोच के देखना चाहिए कि क्या हो सकता है और रही बात ये कि डिस्पाइट होने के बाद मतलब ये मिलने के बाद भी कार्ड मिलने के बाद भी जो एज ए टीम हमने अपना जो पोटेंशियल शो किया एज ए टीम हमने जो खेला वो काबिले तारीफ था अगली बार थोड़ा मेडल का रंग चेंज होगा जी बिल्कुल जब भी मतलब हम टीम जाती है तो यही सोच के जाती है कि हम गोल्ड के लिए जा रहे हैं और जब भी जाएगी यही सोच के माइंडसेट के साथ ही जाएगी कि गोल्ड है समस्त जो सोची एवं समस्त खुशी अच्छा दल प्रदर्शन को लेकिन आम सहित गुर्जंत जोड़ी आलोचना करवा पति क्या कहना चाहेंगे जो मैच के बारे में पूरा टूर्नामेंट टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन किया अगेंस्ट मैच जो था सेमीफाइनल हम लोग जर्मनी अगेंस्ट मतलब डिफीट किया है उसके बाद स्पेन के अगेंस्ट मेडल पोडियम फिनिश का एक चांस था कैसा परफॉर्म हुआ मतलब स्पेन के अगेंस्ट कैसा माइंडसेट था नहीं नहीं बिल्कुल जो हमारा सेमीफाइनल था वो काफी क्लोज मैच था मतलब अगर परफॉर्मेंस के तरफ से देखा जाओ तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो मैच में एक मैन डाउन होने के कारण भी और जो स्पेन का मैच था वो मतलब टूर्नामेंट का काफी हार्ड मैच होता है जब आप सेमीफाइनल लूज करके फिर आप ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलते हो तो काफी हार्ड मैच होता है लेकिन सबका माइंडसेट एक ही था अभी वो हमारे पास एक लास्ट चांस था मेडल के लिए खेलने का और उसी माइंडसेट से सब खेले टोक्यो में पोडियम फिनिश पेरिस में पोडियम फिनिश
मतलब क्या अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या डिफरेंस है? ऐसे ने भी टोक्यो में फिनिश किया और यहाँ पे मतलब लास्ट काफी ऑलमोस्ट 13-14 से लेके अभी हॉकी काफी इम्प्रूवमेंट में है, तो अगर अभी ब्रॉन्ज मेडल आने स्टार्ट हुए हैं तो होपफुली नेक्स्ट जो भी ओलंपिक्स आएंगे जो भी बड़े टूर्नामेंट में उनमें मेडल जरूर कलर चेंज होगा मेडल। हॉकी रे पोडियम फिनिश होइछि, दमदार प्रदर्शन मध्ये होइछि, हम सहित अधिनायक हरमनप्रीत सिंह मध्ये अछन्ते, तांके सहित आलोचना करबा। सर जी क्या कहना चाहेंगे, पिछली बार भी पोडियम फिनिश हुआ था ब्रॉन्ज मेडल, इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन टूर्नामेंट से पहले हम लोग बात कर रहे थे इंडिया एक टॉप ग्रुप में है, उससे पहले जब टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था आप लोग भुवनेश्वर में प्रैक्टिस कर रहे थे, कैसे तैयारी हुए थे कि इस बार भी पोडियम फिनिश होगा? जी बिल्कुल, आई थिंक प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी रही है और ओलंपिक से पहले हमें जो मैचेस मिले हैं और जो हमने मैचेस खेले हैं वो चीज़ ने काफ़ी हेल्प की है हमारी। और बिल्कुल पूल हमारा टफ था बट आई थिंक टीम ने सारे मैचेस अच्छे खेले हैं, अपना बेस्ट किया है, तो इसलिए आई थिंक सेमीफाइनल बहुत क्लोज थे हम और आई थिंक गोल्ड के लिए भी जा सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। बट ब्रॉन्ज मेडल जीतना और बैक टू बैक मेडल जीतना हॉकी में बहुत बड़ी बात है और बहुत खुश हैं हम। According to your point of view, which one is best? All are saying जो मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था बहुत अच्छा परफॉर्म किया टीम ने, उसके बाद बोल रहे थे जो पोडियम फिनिश किया था उसके बारे में बोल रहे थे, कौन सा मैच अच्छा? सर सारे मैच अच्छे थे सर। नमस्कार। नहीं सर, अबे देखुले जे अधिनायक थिले हरमनप्रीत सिंह तांकर प्रतिक्रिया से मध्ये नेक बेज आशावादी अछन्ते, आउथर मध्ये आलोचना करबा। क्या कहना चाहेंगे, जो आप लोग आए थे पिछले बार भी आए थे टोक्यो टाइम में जब मेडल पोडियम फिनिश किया था, इस बार आए हैं, क्या डिफरेंस है, इसमें इतना बड़ा वेलकम क्या है उड़ीसा के लोग आपको? देखिए उड़ीसा जब भी आते हैं सर, चाहे प्रैक्टिस के लिए आए, मैच के लिए आए, मेडल जीत कर आए, उड़ीसा डे वन से हमें हॉकी को प्यार कर रही है और ये जब भी आते हैं यहाँ पे बहुत खुशी होती है एज ए टीम, तो थैंक यू सो मच उड़ीसा का जो इतना हमें प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन, फैन को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस बार भी पोडियम फिनिश हुआ है, आगे हॉकी को सपोर्ट करना चाहिए अदर स्पोर्ट्स जैसा? हाँ डेफिनेटली सर, बिल्कुल, जो इंसान जो खिलाड़ी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है आई थिंक आप सबको इक्वल सपोर्ट करनी चाहिए और बिल्कुल, क्योंकि प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आपके देश आपकी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड आई थिंक उससे बड़ी बात नहीं है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सारी स्पोर्ट्स को अपना सपोर्ट करें और हॉकी को भी करें। आखिरी क्वेश्चन, लॉस एंजलिस में चेंज होगा मेडल का रंग? बिल्कुल सर, इस बार भी पूरी कोशिश थी और उम्मीद करते हैं कि आगे जरूर करेंगे। निहत भाव शुणुले टीम इंडिया रो जो मैंने हॉकी टीम रो सदस्य सहित आलोचना करूँ, बेस आशावादी रही दल प्रदर्शन को लेकिन पूर्वथर अपेक्षा एथर भी पोडियम फिनिश आगक रही लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स से दल पोडियम फिनिश कर, किंतु एथर टिके भल प्रदर्शन कर और मेडल रंग पर चेष्टा कर। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन संजीव सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।